फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है दिन वेडनेसडे और कल मेरा कोई भी ब्लॉग शूट नहीं हुआ था, इसलिए हो सकता है कि आज कोई भी ब्लॉग अपलोड नहीं हो। अगर ये ब्लॉग पूरा हो गया तो मैं आज इसी को अपलोड करूँगी, वरना आज कोई ब्लॉग नहीं जाएगा और कल अपलोड होगा ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और मेरा खाना पीना सब कुछ बन गया, बस मैं अभी किचन साफ़ कर रही थी तो ब्लॉग को स्टार्ट नहीं की थी मैं सुबह से, तो मैं बोली चलो ब्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। और अभी वंश नहा रहा है बाथरूम में, वो नहा रहा है, तब तक मैं जा रही हूँ अपने किचन का क्लीनिंग कर लेने के लिए। वैसे बर्तन वगैरह सब कुछ मैं धो ली हूँ, बस किचन क्लीनिंग कर रही थी तो मुझे याद आ गया ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ आज भी, तो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो मेरे ब्लॉग पे बने रहिए, खूब सारा एंजॉय करिए, खूब सारा शेयर करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ थोड़ी देर। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन को साफ़ करने और मैं डेली इसी तरह से खाना बनाने के बाद साथ के साथ ही सारे बर्तन धोती हूँ और पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और सुबह उठने से यही एक फ़ायदा होता है ना कि हमारा काम एकदम सही टाइम से हो जाता है, हम सही से नाश्ता कर पाते हैं, थोड़ा देर हमें टाइम मिल जाता है खुद के लिए, रेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए हमें हमेशा सुबह सही टाइम पे उठ जाना चाहिए और मैं अक्सर सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ। कभी ऐसा होता है जब थोड़ा सा लेट हो जाता है और उसके बाद खाना पीना बन जाता है तो फिर मैं झाड़ू पोछा 8 बजे तक मेरा ये सब काम हो जाता है, क्योंकि ये सब काम सही से सही टाइम पे करने से बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो बहुत सारे लोग 12, 1 बजे, 11 बजे जब भी करना चाहें करते हैं, पर हमें अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए ना इसी टाइम पे सुबह कर लेना चाहिए झाड़ू पोछा। मैं सुबह उठती हूँ जब 5 बजे, तो उठते उठते सबसे पहले मैं एक बार झाड़ू लगा लेती हूँ और उसके बाद मैं खाना वाना बनाना शुरू करती हूँ और फिर ये दोबारा झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और कभी बाई चांस ऐसा हुआ जब मुझे टाइम नहीं मिला तो सुबह मैं झाड़ू नहीं लगाती हूँ, एक ही साथ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं वंश को नहला धुला के रेडी कर दी हूँ और अभी इसको खाना खिला रही हूँ क्योंकि इसको भी स्कूल जाना है। और हम हस्बैंड वाइफ बैठ के यहीं पे साथ में चाय पी रहे हैं, वंश को खाना भी खिला रही हूँ, दोनों काम साथ में चल रहा है क्योंकि अभी इसको स्कूल छोड़ने जाना है। तो आज मैं नहीं जाऊंगी, आज वंश को छोड़ने उसके पापा ही जाएंगे, बस मैं इतनी देर में नहा धो लूँगी। आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल रात को सोने में थोड़ा देर हो गया था। वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि सोने में चाहे जितना भी लेट हो पर मैं सुबह 5 बजे उठ ही जाऊँ। मैं स्कूल जा रहा हूँ, बोल दो अभी आके मिलता हूँ आप लोगों से, जल्दी आऊँगा, ठीक है, बाय। तो वंश जा रहे हैं स्कूल, चलो यहाँ पे देखिए जाने के लिए हो गया तैयार और मुझे पुच्ची कर रहा है, पुच्ची करके यहाँ बाय बाय करके चला गया स्कूल। और ये चला जाता है ना तो बहुत ही सूना सूना सा घर लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, पर स्कूल तो भेजना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये चले गए हैं बाबू को छोड़ने के लिए स्कूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हो गया है मेरी सफाई की शुरुआत। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बालकनी में झाड़ू लगाती हूँ, पानी से धो देती हूँ मैं अच्छे से। तो यहाँ पे वही पानी डाल के और ये सीख वाली झाड़ू से मैं बालकनी को अच्छे से धो दे रही हूँ, दोनों ही बालकनी में धो देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा ले रही हूँ पोछा और पोछा लगा के मैं चली जाऊँगी नहाने। और कुछ इस तरह से ही मेरे रोज़ का काम होता है और मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह, पता है सुबह सुबह जब भी झाड़ू पोछा करके आप पूजा पाठ करिए ना, बहुत अच्छा लगता है, इतना मन को सुकून मिलता है, इतनी तसल्ली मिलती है ना। देखिए यहाँ पर पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं ये दूसरी बालकनी भी साफ़ कर ली, उसके बाद नहा के आ गई हूँ मैं यहाँ पूजा करने के लिए। और कितने भी हम बिजी हों पर हमें 10 मिनट भगवान के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे 10 मिनट भगवान के आगे हाथ जोड़िए, पूजा करिए तो मन को बहुत ही तसल्ली शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से ही मैं अपने रोज़ का काम निपटाती हूँ और अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पर भगवान जी से प्रे करती हूँ कि भगवान मेरे घर में इसी तरह से शांति बनाए रखना। और देखिए यहाँ पे पूजा पाठ हो गया है और इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो खूब सारा शेयर